एवरीवन, दिस इज आकाश सक्सेना। सीए फाइनल एंड सीए आईपीसीसी के एग्जाम्स आने वाले हैं और आई नो आप सब लोग अभी बहुत घबरा रहे हो, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यार, सब पास हो गए, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे जो 1.5 डे बचता है आपके पास एग्जाम के पहले, उसमें हम किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करें ताकि पास होना हमारे लिए शॉर्ट शॉर्ट हो जाए और एग्जाम अच्छा जाए, उन सब चीजों के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पैटर्न कैसा रहेगा ये डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप एग्जाम दे के आए, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम दे के आए, उसके बाद जो आपके पास हाफ डे बचता है उसको कैसे मैनेज करना है, सेकेंड डे आपको कैसे मैनेज करना है, और लास्ट डे जो आपके एग्जाम के पहले है उसको कैसे मैनेज करना है, तो वो सब डिस्कस करते हैं। देखिए, पहले दिन जब आप एग्जाम दे के आए तो पेपर कैसा भी जा सकता है, चाहे वो खराब गया हो चाहे वो अच्छा गया हो, डजेंट मैटर। टफ भी आता है पेपर यार, इजी भी आता है, तो टफ ये सोचो सबके लिए टफ आया, ठीक है, और इजी आया तो बोलो सबके लिए इजी आया। तो ना एक्साइटमेंट में हमें घबराना है, ना अगर हमारा पेपर थोड़ा बहुत बिगड़ गया उसमें घबराना है, हमें सिर्फ एक ही बात सोचनी है, वो ये है कि मुझे इसी अटेम्प्ट में सीए बनना है यार, बस। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी पेपर गया हो, अगले पेपर में मुझे बहुत अच्छा करना है और मुझे इसी अटेम्प्ट में सीए बनना है, और उस तरीके से आपको पढ़ने बैठना है। आई नो जब आप पहला पेपर दे के आते हो थोड़ा सा थके होते हो, तो आपको जो पहले करना है वो कर लो, अगर आपको नहीं बहुत टाइम आप जग चुके हो तो एक आध घंटे की नैप लेना है ले लो, एक आध घंटे का नैप कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग टी पीना प्रेफर करते हैं तो टी पी के ही पढ़ने बैठ जाते हैं, वो प्रेफर कर लो, आपको जो भी आपको मेंटली अच्छा लगे। कुछ लोग को म्यूजिक सुनना पसंद है, तो फर्स्ट हाफ जो आपका रहता है, हाफ एन आवर जो आपका रहता है पेपर देने के बाद, वो करो, उसके बाद पढ़ने बैठो। तो किस तरीके से पढ़ना है, आपको सबसे पहले एक छोटा टॉपिक और एक बड़ा टॉपिक उठाना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम एसएफएम पढ़ रहे हैं, एसएफएम पढ़ने के टाइम पे आप पढ़ने सबसे पहले जो पेपर दे के आए उसके बाद बैठे हो आप पढ़ने, है ना, तो म्यूचुअल फंड आपने उठाया, म्यूचुअल फंड इजी टॉपिक है कंपैरेटिवली और मार्क्स आता ही है कहीं ना कहीं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और कॉन्फिडेंस जब डेवलप हो जाएगा तो एक बड़ा टॉपिक उठा लेना है, वो है फॉरेक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, कुछ भी उठा सकते हो, पोर्टफोलियो भी उठा सकते हो, जो भी आपको लगता है। आपने फॉरेक्स उठा लिया, फॉरेक्स के बाद आप एक और टॉपिक और उठा लोगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, है ना, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आप सारे के सारे बड़े टॉपिक सेकेंड डे जो आपकी लीव हो उस पर आप डाल दोगे, तो आपको मालूम है उस लीव डे के बाद अगले दिन ही पेपर है, और बच्चा फिर क्या था घबराने लगता है कि यार मेरा तो कल पेपर है, मेरा इतना कोर्स बचा है, बिकॉज आपके सारे बड़े टॉपिक बचे हैं, और जब बड़े टॉपिक बचते हैं तो वो रात तक भी बड़े टॉपिक ही चलेंगे, और रात तक अगर बड़े टॉपिक चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, पहले एक छोटा उठाना है, फिर एक बड़ा उठाना है, फिर एक छोटा टॉपिक उठाना है, फिर एक बड़ा टॉपिक उठाना है, इस तरीके से इस पैटर्न से पढ़ना है, ठीक है। अब बहुत से लोग बोलते हैं सर मेरे को तो जल्दी सोने की आदत है, मैं ज़्यादा देर तक नहीं जग सकता हूँ, कोई बात नहीं यार, आप एक छोटा टॉपिक उठा लो म्यूचुअल फंड, एक फॉरेक्स उठा लो, और एक आध और टॉपिक खत्म करके सो जाओ। फिर सुबह आप अगर 5 बजे उठते हो या 4 बजे उठते हो, व्हाट एवर द केस में भी आप सुबह उठते हो, उसको फिर वहां पर कवर करेंगे अपन। तो फर्स्ट हाफ आपका हो गया, लेकिन अभी जो वो लोग बोलते हैं कि नहीं सर मैं तो 12, 1, 2, 3 बजे तक जग सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होता है, मुझे रात को पढ़ना पसंद है, तो यार आपके पास ज़्यादा टॉपिक्स हो गए, तो आप ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर लो फिर उसमें, है ना, बड़े भी और छोटे भी। अब सेकेंड डे आने से पहले आपका आता है स्लीपिंग टाइम, तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि 6 to 7 hours की आपको नैप लेना कंपलसरी है। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी इफेक्ट नहीं होगी, आपका जो एफिशिएंसी है ना, आप नींद कम लेते हो, एफिशिएंसी इफेक्ट होती ही है, आपको नींद आती है, आप उतने एफिशिएंट नहीं हो पाते हो अगले दिन, ठीक है, या तो आपकी आदत हो तो बात अलग है, लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करता हूँ कभी भी किसी को कि आप 3 या 4 घंटे सो के ही पढ़ने शुरू कर दो, कोई बात नहीं यार, अपन उसमें भी मैनेज कर लेंगे, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाऊँ तो आप भी बन जाओगे, तो मैं भी 6-7 hours सोता ही था, तो आप 6-7 hours तो सोएंगे ये पक्का बात मान लीजिए। अब आप सुबह उठते हैं, सुबह आपके पास मान लीजिए 10-12 टॉपिक बचते हैं, तो आपको सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, एक छोटा एक बड़ा, लेकिन साथ साथ में आपको फॉर्मूलेज भी नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है, और हर टॉपिक का एक आध क्वेश्चन तो ट्राई कर लेना है। देखो बहुत टफ मत उठा लेना कि लिख के ट्राई कर रहे हो, बहुत टफ अगर है भी तो उसको पढ़ लो, क्योंकि बहुत टफ अगर लिख के ट्राई करने लगे तो आपका टाइम बहुत जाने लगता है, तो टाइम नहीं वेस्ट करना है, टॉपिक्स को लिखना शुरू कर देना है, एक आध टॉपिक का ही क्वेश्चन, मतलब आपको एक आध क्वेश्चन ही करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, बच्चे बहुत ज़्यादा क्लैरिकल मिस्टेक करते हैं, पता है आपको आता सब कुछ है, लेकिन आप मतलब डिवाइड करना है मल्टीप्लाई कर देते हो, के की जगह के डी का फिगर उठा लिया, तो ये सब चीज़ें आप नहीं करोगे अगर आप एक आध क्वेश्चन ही करके चलते चलोगे, है ना, ज़्यादा नहीं करना, ताकि आप टाइम ही नहीं है कैसे करोगे ज़्यादा।
ठीक है, तो आप सेकेंड डे आए, सेकेंड डे आपने मैनेज किया, आप मान लीजिए आपका टॉपिक्स होते जा रहे हैं, आपको 5 o'clock के बाद पैनिक आने लगता है कि यार अब मेरा कैसे होगा, मेरे टॉपिक्स बचे हैं, तो उसको बिल्कुल अवॉइड कर देना, इसको साइड में रख दो, पैनिक को बिल्कुल साइड में रख दो और बोलो नहीं यार मुझे सीए बनना है यार मैं करूंगा, और तुम पढ़ते चलो थोड़ा थोड़ा गैप लेते हुए बीच बीच में ना, एकदम ऐसे नहीं कि 4-5 hours की सिटिंग कर ली, थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा 10-15 minutes का म्यूजिक सुन लिया या कुछ, मतलब 2 घंटे पढ़ के 10-15 minutes का ब्रेक तो लेना बनता है ताकि आपकी इफिशियंसी, बिकॉज क्या होता है कि देर दिन में बच्चा ना इफिशियंट अगर हो गया तो ही वो पास हो पाता है। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि पढ़ते जाते हैं लेकिन फोकस आपका हिलता है यार, वी आर ह्यूमंस, ठीक है, हम ह्यूमंस हैं, हमारी टेंडेंसी, हमें साइकोलॉजिकली हम इतने भी स्ट्रांग नहीं होते कि हम पूरे दिन 12 घंटे बिना कुछ बिना गैप लिए पढ़ लें, ऐसा नहीं है, कुछ खा भी लेना है बीच में, बिल्कुल खाने को अवॉइड नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा गैप लेते हुए चलना ताकि थोड़ा फ्रेश हो गए तो अच्छे से पढ़ पाओ। अब 10 बज गया रात के, तो जो लोग जल्दी सोने वाले हैं उनको तो 10 बजे तक कोर्स ख़त्म करना ही है, कोशिश पूरी करना है ख़त्म करना है, और अगर नहीं भी हो पाता है तो घबराना नहीं है, नेक्स्ट डे 2-3 घंटे में आप कोर्स ख़त्म करोगे, ठीक है, रिवीजन ख़त्म करोगे अपना, और जो लोग के पास टाइम है 1-2-3 बजे तक का, वो सुबह थोड़ा लेट जगते हैं, तो लेट जग रहे हैं तो भाई उस टाइम तक आपको कोर्स कंप्लीट करना है, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि ये होता है कई बार कि यार 1-2 topic बच गए तो ठीक है सुबह सुबह पढ़ लो। और अब होता है थर्ड डे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए, बिकॉज उसके पहले ना आपको बहुत घबराहट होने लगती है, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं यार, जो चीज़ नहीं पढ़ी उसको इन टाइम में तो छूना ही नहीं है, ठीक है, 5-10 number ये सोच के चलना है, 5-10 marks से ज़्यादा तो आने ही नहीं वाली है, और इतना तो कोई बात नहीं यार, थोड़ा बहुत तो हमसे पेपर छूट भी जाता है ना, लेकिन कोशिश ये करना है कि 100 marks का अटैम्प्ट हो हमारा, लेकिन छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं, अब यही सोच लेना है कुछ चीज़ छूट गई है तो उसको ये नहीं कि लेके सिर पे बैठ के अपने प्रॉब्लम्स को कभी भी अपने आप पे हावी मत होने देना, ठीक है, हो गया जो चीज़ हो गया उसको जाने दो। अब हम बात करते हैं कि यार अब लास्ट डे हमें किस तरीके से पढ़ाई करना है, तो लास्ट डे जब होता है तो आपने जो मैंने आपसे फॉर्मूलेज लिखवाए हैं उनको प्रॉपरली रिवाइज कर लेना है, और ये चीज़ आपको सब में ही करना है, चाहे वो ऑडिट और लॉ का पेपर भी होना, तो आपको छोटे छोटे टॉपिक्स आप कुछ कुछ आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एक बार और देख लेना है, वो टॉपिक्स को मार्क कर लो और लिख लो, एक पेपर लो, पेपर में लिख लो यार ये टॉपिक मुझे जो लास्ट डे मेरे पास बच रहा है उस टाइम देख के जाना है, बस थोड़ा थोड़ा लिखते हुए चलो और उसके बाद पेपर देने जाओ। आई कैन अश्योर यू कि आप एक कॉन्फिडेंस से जाते हो तो आपका पेपर, आपका टफ कितना भी टफ पेपर है आपसे बन जाता है, आप ऐसा गलती करने के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकेंडली आप फ्रेश होकर जाते हो ना, माइंड फ्रेश करके जाते हो अपना, तो पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आपका माइंड फ्रेश रहता है, आप पैनिक करके जाओगे, टेंशन लेके जाओगे मेरा ये नहीं हुआ मेरा वो नहीं हुआ, तो आप घबराने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और 12 बजे तक ही आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, उसके बाद बिल्कुल पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि जितना आप पढ़ते हो उतना ज़्यादा पैनिक आना चांसेस बढ़ जाता है, तो मत करो ये सब कुछ, ठीक है, पास हो जाओगे, बिल्कुल चिंता मत करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, आप सब अच्छे से पढ़ाई करो, अभी जो टाइम बचा उसको अच्छे से मैनेज करो, लेकिन 1.5 डेज प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इसको प्रॉपरली मैनेज कर लो, थकावट होती है तो थोड़ा बहुत होगा उसको मैनेज करना सीखो, बिल्कुल सीए बन जाओगे। बाय बाय, टेक केयर।